ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गणपतये नमः। ओम नमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मिथुन राशि अक्टूबर महीना कैसा रहेगा इस महीना मिथुन राशि के लिए? सबसे पहला मिथुन राशि के तन मन धन जन गोप लक्ष्मी कैरियर भाग्य लाभ धन का इन्वेस्टमेंट दाम्पत्य प्रेम शिक्षा व्यवसाय के बारे में सम्यक विचार। मिथुन राशि अक्टूबर का महीना इसके बारे में जाने उससे पूर्व ग्रह गोचरीय स्थिति को अनुभव करते हैं। एक नंबर आपसे चतुर्थ में आपके लग्नेश बुध जो पंचम की ओर जाने वाले, सूर्य चतुर्थ में, मंगल चतुर्थ में और ये सारे 17 तारीख के बाद सूर्य का गोचर हो जाएगा, मंगल का हो जाएगा और केतु ऑलरेडी आपके पंचम में, केत छुड़ाए खेत। उसके बाद मिथुन का नवम में शनि बाबा और लाभ स्थान में राहु और गुरु। मिथुन के लिए, मिथुन राशि के लिए ये महीना स्वाभाविक बात है एक प्रकार का क्लीनिंग एंड हीलिंग का मंत्र रहेगा। तो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बोले, सॉलिड मानसिक स्थिति रहने वाला है, सॉलिड टॉप फिजिकल स्थिति रहने वाला है, अच्छा रहेगा। मन में थोड़ा सा क्रूरता बढ़ सकता है। मिथुन हर दिशा से स्वास्थ्यवान दिख रहे हैं। आर्थिक अब दूसरा घर, धन वाणी परिवार का सॉलिड टॉप मजबूत मिथुन के लिए दे रहे हैं। हाँ, पराक्रम बड़ा हुआ, सपोर्टिव छोटे भाई बहन मित्र बंधु, यात्रा निकट यात्रा, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, परिस्थिति गुड है और इस महीना का भूमि भवन वाहन माता सुख मन चतुर्थ स्थान आपका सुख का स्थिति थोड़ा बिगड़ा है लेकिन 12 के बाद ठीक होगा, 17 के बाद और ठीक हो जाएगा। लेकिन करियर के ऊपर दृष्टि होने के कारण अच्छा तो कराएगा लेकिन कोई मतलब का नहीं रहेगा। प्रेम प्यार शिक्षा के छुड़ाए खेत 17 के बाद उथल पुथल, कुछ ज्यादा ही समस्या बिल्डअप हो सकती। मिथुन के दाम्पत्य जीवन, व्यवसाय, यात्राएं, ये मिथुन के लिए सप्तमाधिपति अपने से 1, 2, 3, 4, 5 और बकरी अति बलि पावरफुल, बहुत सारे माइलस्टोन पार करने का संभावना है लेकिन धोखे से सावधान। मिथुन का भाग्य, भाग्य भाग्याधिपति भाग्य के घर में, किस माई के लाल में दम है जो भाग्य हटा दे। हाँ, 2 महीना से थोड़ा सा पीड़ित था मंगल का दृष्टि सूर्य का दृष्टि लेकिन अब फिर से भाग्य, पूजा पाठ में मन, आध्यात्मिक विकास प्रगति, अति बलता के साथ प्राप्त होना। मिथुन का दशम स्थान कैरियर हाउस ऑलरेडी लॉक है, नौकरी वगैरह पस्त है, छोड़ दो उसके बारे में इस महीना भी, लेकिन इस महीना के बाद रिजल्ट कुछ अच्छा मिलने का संभावना है लेकिन ये महीना कंप्लीटली कुछ कर देगा ये नहीं दिख रहा है। लाभ के बाद तो कहना ही नहीं है, कोई भी बैठे अच्छा फल देगा ही। तो धन लाभ जिसका, धन और लाभ जिसका ठीक हो गया फिर वो महीना को अच्छा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कलयुग है। मिथुन ले दे के अच्छा है। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं गुड डे एंड बैड डे। सबसे पहले इस महीना मिथुन के लिए जो गुड डेज रहेंगे 6, 7, उसके बाद 10, 11, 12, उसके बाद मिथुन के लिए 17 और 18, उसके बाद एंटरटेनमेंट मजा मस्ती ये 20, 21, 22 का कुछ दिन, कर्म सिद्धि योग सफलता 24, 25, 26, 27,
24 छोड़ दो, 25, 26, 27, 28, 29, 30 आपके लिए बेस्ट जोन है, बेस्ट टाइम जोन रहेगा। बैड टाइम जोन का बात करते हैं तो ना चाहते हुए खर्चा 5, 6, 7, यात्राओं में परेशानी और समस्या बिल्डअप हो सकता है। नेक्स्ट है धन परिवार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं छुटपुट समस्याएं 8 और 9। कॉन्फिडेंस में कमी, कोई भी काम का डिसीजन इस समय नहीं लें तो वो बनता है ये 13, 14 और 15, 16 घात चंद्र योग भी बन सकता है। ये बड़ा भयंकर स्थिति मिथुन के लिए थोड़ा सावधान रहने का योग है इस समय, क्योंकि इसी के आसपास चंद्रमा सारे क्रूर ग्रह पाप ग्रहों को क्रॉस करेंगे। आपके जो अमावस्या भी होने वाला है, ये मिथुन का चतुर्थ और पंचम के फेज में होगा, तो इस समय आपको थोड़ा सा इस क्षेत्र में सजग रहने का बड़ा आवश्यकता है। खुशी का बात है कि आपके मिथुन का लाभ स्थान में ये चंद्र ग्रहण पूर्णिमा, तो आपके लिए ये सुइटेबल ही होने वाला दिख रहा है। तो ये टाइम जोन थोड़ा सा सेफ रहना। अच्छा, बाधक टाइम पीरियड 23, 24, 22 के बाद का कुछ समय के बाद से 23, 24 कर्म में बाधा, मानसिक तनाव, टेंशन, करते करते काम रुक जाना, ये परिस्थिति कहीं ना कहीं इस महीना आपको सामना करना पड़ेगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।